हम देख रहे हैं आपने जो टारगेट सेट किया है फिलहाल 2021 तक का 67 मिलियन टन्स पर एनम का जो आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी का चैलेंज लिया है उसकी तरफ आपने काफ़ी कदम उठाए हैं. ये सिचुएशन अभी हमने जो देखी इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग और जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो सब मद्देनज़र रखकर अगर हम बात करें ये आप टारगेट अचीव कर पाएंगे जो आपने रखा है या आप इसको बेहतर कर सकते हैं. एनएमडीसी का जो स्ट्रेटजी है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन उसमें हम लोगों ने काफ़ी स्टडी किया एक्सरसाइज किया किस तरह से आगे बढ़ सकता है. उसके पश्चात हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया कि 21-22 में हम लोग आएंगे कि इट इज़ अराउंड 67 मिलियन टन का टारगेट है. 2030 के लिए हमारा टारगेट है 100 मिलियन टन. जी हाँ, तो हमारा पास पोटेंशियल है. 60 साल से हम यही काम कर रहे हैं और लगातार यहाँ मतलब प्रॉफिट मेकिंग भी है. जी, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब वी हैव इनफ कैपिटल, कैपेक्स करने का भी है और हम अग्रेसिवली अभी ऑक्शन रूट पर भी जा रहे हैं, जीत भी रहे हैं, तो हम ओवरऑल भी रूट है, जेवी बना रहे हैं हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट का साथ भी बन रहा है, तो हम गवर्नमेंट को भी जा रहे हैं कि गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन भी हमको दे दीजिए. इस तरह से कई स्ट्रेटजीज अपना करके हम अपना कंप्लीट करके ही हम टारगेट अचीव. तो मैं आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रही हूँ आगे चलकर हम प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट देखेंगे. आई सी दैट देर इज स्टेबिलिटी इन जो इंडस्ट्री स्टील इस्पात का सेक्टर में स्टेबिलिटी है. आगे 2-3 साल में ये ठीक मतलब आगे बढ़ने का हमारा उम्मीद है. जी. अगर ऐसा है तो स्टील प्राइसेस भी अगर स्टेबिलिटी है तो हमारा प्राइस भी ठीक रहेगा. बिल्कुल. तो हमारा उम्मीद है कि हमारा शेयर प्राइसेस शेयर होल्डर्स के लिए हम सही दाम में माल बेचने में सक्षम हो जाएंगे. कैपेक्स की बात की आपने, 6500 करोड़ रुपीस का आई थिंक टोटल FY19 में प्लान किया था. क्योंकि आप इतना भी एक्सपेंशन की बात करें कितना कैपेक्स ओवरऑल इन ओवर एंड अबाव 6500 होगा और आप कैसे उसके लिए 6500 का कैपेक्स तो हमने फिक्स किया नहीं है. अच्छा, तो कैपेक्स का मुझे लगता है कि हम लोग बता रहे हैं कि हम तो 3400 करोड़ ऐसा कुछ बताएंगे, ऐसा कुछ एक्सैक्ट फिगर मुझे अभी मैं आपको बता दूंगा. लेकिन मतलब वो हम जितना ईयरमार्क किया हुआ है, जितना MOU हम लोगों ने किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट से, तो उतना हम करने के लिए मतलब करेंगे. इट इज नाउ वेल प्लेस्ड. पिछले साल का कैपेक्स का कुछ कम था कई कारण से, कुछ प्रैक्टिकल कारण से भी था, तो इस बार हम ये उम्मीद कर रहे हैं और एटलीस्ट अराउंड 3000 हमको करना चाहिए. डीसी के चेयरमैन से बातचीत हो रही थी और कंपनी की 3000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना है क्षमता विस्तार पर और कंपनी राज्यों के साथ भी ज्वाइंट वेंचर करने वाली है.